अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के एन एन 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सादिया अकबर। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। गुजरात और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। सुबह से जारी बारिश ने गुजरात शहर को समंदर का रूप दे दिया। हुकूमती और ज़िली अदारे मुकम्मल नाकाम। अवाम का बुरा हाल। DPO ऑफिस और DC ऑफिस समेत तमाम सरकारी और गैर सरकारी अदारे बारिशी पानी में डूब गए। गुजरात की अवाम का निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर जाम होकर रह गया है। हुकूमती अदारों और स्कूलों कॉलेज में हाजिरी ना होने के बराबर हुकूमती नुमाइंदे और ज़िले और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान अवाम को झूठे दामों और फोटो सेशन के सिवा कुछ न दे सके। अब्र रहमत गुजरात की आवाम के लिए बनी जहमत। आवाम जलील ख्वार, जिम्मेदारान ख्वाब खरगोश और प्रोटोकॉल में मसरूफ। जनूबी वजीरिस्तान वाना कबायली ज़िला में हाली इंतखाबात के बारे में एहतजाजी मुजाहरे। मुजाहरीन ने सूबाई असम्बली के इलेक्शन के बारे में बैनर्स और प्ले कार्ड पर हाली इंतखाबात को चुनाव करार दिया। जनूबी वजीरिस्तान वाना इलेक्शन को टोपी ड्रामा करार दिया। पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से ताहाल मुजाहरे जारी। PTI के उम्मीदवार नसीरुल्ला कामयाब करार पाए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार आरिफ खान को 842 वोटों से लीड दिया है। जनूबी वजीरिस्तान वाना सब उम्मीदवारों ने PTI के जीत को सूबाई हुकूमत की जानिब से तहसील तो वही खला में मुदाखलत और जाली वोटों पर एतराज़ात के मौक़ पर कायम हैं। गुजरात, बारिश के पानी की वजह से गुजरात शहर डूब गया। पानी की निकासी के हवाले से और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात की एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर रानी हिफ्ज़ा कमल शहरियों की तकलीफ़ों का बेड़ा सर पर उठाए। बारिश में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मैदान में उतर आई और शहर भर में सफाई के हवाले से जायज़ा ले रही है और अफसरान को हदायत दे रही है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KNN 24 न्यूज़।